बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्पेशल चिकन बिरयानी रेसिपी। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्त रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए। तो फिर सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज़ों को जो ना हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो फिर प्याज़ों को ब्राउन करने के बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर लिया है। चिकन को जो ना हम कुछ तो फिर फ्राई कर यहाँ इसके लेंगे। अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पीसी हुई गर्म मसाला, तकरीबन 5 टीस्पून इसके अंदर जो ना हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट की जो है मसाले को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो फिर अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। तो तकरीबन 4 अदद टमाटर हैं, 2 से 3 अदद जो है ना इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको जो है ना ढक कर पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो फिर तकरीबन 5 मिनट बाद जो है ना हमने ढक्कन हटा लिया है, आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब जो है ना हम इसे अच्छे से भून लेंगे कुछ देर, 2 से 3 मिनट जो है ना हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। ये सिर्फ खुशबू के लिए हम ऐड करेंगे इसके अंदर। इसे भी जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अच्छा जी, एक बार फिर जो है ना मसाले को भूनेंगे अच्छे से। तो फिर आप देख सकते हैं बिरयानी का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम जो है इसको साइड पे करेंगे और चावल को बॉईल करते हैं। तो फिर यहाँ चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी रखा था, पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। चावल को तकरीबन जो है ना 25 मिनट पहले नीम गर्म पानी में भिगो के रखा था। चले जी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉईल करेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं चावल तकरीबन जो है ना हमारा बॉईल हो चुका है। फिर आप चेक कर सकते हैं 75% जो है ना हमने चावल को कुक कर लिया है। यहाँ पे जो है ना बिरयानी का मसाला है, इसको जो ना हम एक डोंगे में निकाल लेंगे। चलो जी, कुछ मसाला हमने इसके अंदर ही नहीं दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। चावल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर वो चिकन का मसाला जो हमने बनाया था वो ऐड करेंगे। चलो जी, इस तरह से जो ना सारे मसाले जो भी हमने बनाए थे उसके अंदर ऐड करेंगे। अब बाकी जो चावल बचा हुआ है वो हम ऐड करेंगे। तो फिर चावल डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जर्दे का रंग। ये तमाम चीज़ें करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल लगाएंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए जो नम दम लगाएंगे। तो फिर आप देख सकते हैं आप 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद जो हम इसका दम हटाएंगे। तो माशाल्लाह, आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारा तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।